वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही काम की वीडियो जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको 100% पसंद आएगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। पहला यूजफुल टिप आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए बहुत सारे घरों में ना अंडे खाए जाते हैं। अंडे खाने के बाद इसके जो ये छिलके होते हैं ये अक्सर बच जाते हैं। आप कुछ भी बनाइए, अंडे के छिलके का यूज नहीं किया जाता है। इसे अक्सर ना हम डस्टबिन में ही फेंकते हैं। देखिए अगली बार ना आप इसे फेंकिएगा मत। ये बहुत ही काम की चीज है जो आपके घर में बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती है। कैसे? तो पहले आप छिलकों को इकट्ठा कर लीजिएगा इस तरीके से। मेरे कटोरी में इकट्ठा किए हैं। अब आपने मिक्सर जार में इन्हें डाल देना है। देखिए ये जो मिक्सर जार होते हैं ना, हम इन्हें कितना भी क्लीन कर ले, कितना भी साफ कर ले, इसके अंदर से जो फूड पार्टिकल है अंदर की तरफ से निकलते नहीं है। दूसरा, इसके जो ब्लेड की धार है वो ठीक से बनती नहीं है। तो आप अपने अंडे के छिलके का यूज कर सकते हैं। मिक्सर जार की धार अगर बिल्कुल काम नहीं कर रही है तो आप इस अंडे के छिलके वाले हैक का यूज कर सकते हैं। इससे जो धार है वो बहुत बढ़िया से आ जाती है। दूसरा, ये जो बचा हुआ पानी है इसे आपने नहीं फेंकना है, ठीक है? इसका भी आप यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं इनसाइड अंदर की तरफ जितने पीले दाग थे वो भी हट जाते हैं, धार भी अच्छे से बढ़िया हो जाती है और अगर कोई फूड पार्टिकल अंदर की तरफ है तो वो भी अच्छे से बाहर निकल के आ जाता है। अगर इस तरह का कोई ब्रश वगैरह भी आपके पास होगा ना तो आप इससे भी क्लीन करके देखिएगा। अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है, अंदर जो पीलापन होता है वो बिल्कुल निकलता नहीं है। पर ये जो अंडे का छिलका है ना, एक ही बार में आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएगा जिससे अगली बार आप इस छिलके को बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हो। मैंने टच करके देखा है, देखिए इसमें काफी अच्छी बढ़िया से धार है। अब बात कर लेते हैं इस पानी का। ये पानी ना कैल्शियम युक्त है, यानी इसमें काफी सारी मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाएगा जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो गमले वगैरह में प्लांट होते हैं ना, इसमें सिर्फ हम नॉर्मल पानी डालते हैं या फिर मार्केट वाला महंगा फर्टिलाइजर डालते हैं। और अगर आपके घर में अंडे खाए आते हैं तो छिलके को बिल्कुल मत फेंकिएगा। आप मेरे प्लांट देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा हेल्दी है। ये जो पानी है आपने इन प्लांट को देते रहना है टाइम टू टाइम। हफ्ते में अगर दो बार आप दोगे तो आप इन प्लांट को कुछ और देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आम एक साल का है और आप देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ काफी अच्छी है। तो आप ना इस तरीके से अंडे के छिलके वाले पानी को बिल्कुल ना फेंके। अंडा बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है ना, उस पानी को भी ठंडा करके आप डाल सकते हो। उससे भी जो प्लांट की हेल्थ है वो काफी अच्छी रहती है। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूजफुल हैक। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की कटोरी या बाउल, जैसे भी आपके पास है आप यूज कर सकते हैं। तो देखिये मेरे पास तीन चार बर्तन में आपको दिखा रही हूँ, जैसा आपके पास हो वैसा यूज कीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा इसके अंदर ना बर्नर अच्छे से बैठना चाहिए। तो इसे साफ करने का एक बहुत ही आसान सा हैक बताऊंगी। ये एक रुपए वाली टिप है। तो देखिए मैंने एक रुपए का शैम्पू ही यूज किया है क्योंकि मैं क्लीनिंग के लिए अक्सर इसे यूज करती ही हूँ। तो आज ना हम इसे बर्नर क्लीन करेंगे। कैसे? तो पहले तो एक शीशे पूरा इसमें खाली कर लेंगे। उसके बाद में हम लेंगे ये नींबू। अगर आपके घर में नींबू नहीं है तो आप व्हाइट विनेगर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लगभग एक बड़ा चम्मच इतना मैंने नींबू के जूस का यूज किया है। आपके पास अगर विनेगर है तब आप पूरा एक चम्मच विनेगर भी इसमें डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसके बाद में हल्का कुनकुना पानी लीजिएगा क्योंकि जब आप कुनकुना पानी डालोगे ना तो ये बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है और ये जो बर्नर है इसके ऊपर जितनी गंदगी है ना ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। अच्छा, आपको अगर बहुत जल्दी ही क्लीनिंग करनी है तो आप ना इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो जिससे है ना 10 मिनट के अंदर ही आपकी जो बर्नर है अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाएंगे। तो ये है मीठा सोडा। जो मीठा सोडा होता है ना वो बर्नर के ऊपर जमी हुई कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, कितनी भी काली क्यों ना हो, वो सब कुछ ना बहुत जल्दी से निकाल देता है। जैसे ही आप इसमें मीठा सोडा डालेंगे देखिए ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से एक फॉर्म बन जाएगा। बस अब है इसे ना आपने बैठने नहीं देना है, इसी में ना आपने बर्नर को डाल देना है। अभी खाना बना है तो बर्नर काफी ज्यादा गर्म है तो मैंने बर्नर इसके अंदर डाल दिए हैं और ये बर्नर काफी गर्म था इसलिए मैंने कपड़े का हेल्प लिया है। अगर बर्नर भी हल्का गर्म होगा ना तो और अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। यानी कि गर्म गर्म पानी और गर्म बर्नर बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि दिन के टाइम ही मैंने ये शूट किया था तो मैंने सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम दिया था। और ये देखिए जो बर्नर है वो अच्छे से बढ़िया से इसके अंदर 10 मिनट तक रहे और आप देख सकते हैं इसके आसपास की जो गंदगी है वो निकलना स्टार्ट भी हो गई है। बस एक पुराना टूथब्रश लीजिएगा, हल्के से आप रब करेंगे।
आपके पास टाइम है तो ये ट्रिक ना आप रात के टाइम कीजिएगा। रात भर आप इस लिक्विड के अंदर ही बर्नर को रहने दीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग जब आप इसे क्लीन करोगे ना, आप देखेंगे ये बर्नर बिल्कुल नए जैसे चमक जाते हैं। तो मैंने सिर्फ इन्हें 10 मिनट के लिए ही रखा था, फिर भी ना इसके ऊपर से जितनी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल गई थी। तो बर्नर साफ करने का बहुत ही आसान सा हैक है, इसे जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारा लिक्विड बच गया है। इस लिक्विड को ना फेंकना नहीं है, ठीक है? आप उन एरिया की क्लीनिंग कर सकते हो जो बहुत ज्यादा गंदी है। तो मेरे पास ये लिक्विड काफी सारा बच गया था, मैं यूज करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो अलग से ये सॉल्यूशन बना के रख सकते हैं और काम में ले सकते हैं। क्लीनिंग कौन सी करनी है वो भी देख लेते हैं। देखिए हमारे घर के ऐसे बहुत सारे कोने होते हैं जो बहुत टाइम से हम साफ ना करें ना, तो वहां गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो गैस पाइप है ना, यहाँ पर काफी सारी गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। तो 5 मिनट पहले मैंने बस ऐसे ही हल्के से इसके ऊपर ये जो लिक्विड है फैला दिया था और हल्के हाथों से ब्रश की मदद से स्क्रबिंग करना है। आप देखेंगे कितनी भी पुरानी गंदगी क्यों ना हो, वो कुछ ही मिनटों में निकल के बाहर आ जाती है। तो ये सॉल्यूशन बहुत बेस्ट है, इसको जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा हरे धनिया से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो हरा धनिया होता है ना, हम इसे लेकर आए और एक दिन भी अगर बाहर छोड़ देते हैं तब ना ये बहुत जल्दी मुरझा जाता है। और जो हरा धनिया होता है वो हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता ही है। तो हरा धनिया तो हमारे घर में जरूर होता है, पर इसे हम बहुत दिनों तक हरा भरा कैसे रखें, या ऐसा क्या करें कि हम एक बार धनिया लेकर आए और हफ्ते भर तक ये हरा भरा रहे। तो देखिए एक हैक मैं आपको बताऊंगी जिससे ये जो आपका धनिया है बिल्कुल ही हरा भरा रहेगा। आपको कुछ ऐड वेट नहीं करना पड़ेगा, बस हफ्ते में 2 बार ना आपने पानी बदलना है। तो कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। आपने किसी ग्लास या कंटेनर में पानी लेना है, आधा कटा हुआ नींबू लेना है, 3 से 4 ड्रॉप इतना ही हमें नींबू चाहिए, ठीक है? बहुत ज्यादा हमें यह नहीं चाहिए, 3 से 4 ड्रॉप इतना चाहिए। इसके बाद में आपने इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, बस आपका ये जो हरा धनिया है अच्छे से बढ़िया धो लीजिएगा और इसमें डिप कर दीजिएगा जड़ के साथ, ठीक है? बहुत ज्यादा डिप नहीं करना है, नहीं तो ये सड़ने लग जाता है, ठीक है? जड़ इतना हिस्सा ही आपने इसके अंदर डिप करना है। ये धनिया 2 दिन से बाहर रखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा ना ज्यादा मुरझा गया है ये, फिर भी ना ये अच्छे से हरा हो गया था। आप चाहे तो मार्केट से जब लेके आते हैं ना तो ताजा धनिया को ही रखिए। आप देखिए हफ्ते भर तक ये धनिया चलता है। अगला यूजफुल हैक भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए मेरी गार्डन में काफी सारे सीताफल है। अभी के मौसम में ना जिनके घर में गार्डन वगैरह है या जिनके यहाँ फार्म हाउस है वहां पर ना आपको सीताफल जरूर मिल जाएंगे। अभी मार्केट में जो सीताफल आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कच्चे हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो आप जरूर ले आइएगा। मेरे यहाँ तो काफी सारे हो रहे हैं और अगर इन्हें टाइम पे हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो जो चिड़िया वगैरह है, गिलहरी वगैरह है, वो सब ना खा जाते हैं। तो देखिए कुछ सीताफल मैंने भी तोड़े थे, 4 दिन पहले तोड़े थे और बस इस तरीके से नॉर्मल कंटेनर में रख दिया था। आपके पास कुछ ना भी होना तब आप टिश्यू पेपर की मदद से भी इसे पका सकते हो। देखिए बेस पे मैंने है ना ये टिश्यू पेपर लगाया हुआ है और बस इस कंटेनर को बंद कर दिया था। अगले 4 दिन बाद मैंने देखा तो देखिए सीताफल अच्छे से ही बढ़िया से पक गए हैं। अगर कोई केमिकल आपके पास नहीं है या आपके पास चूना वगैरह नहीं है तब भी ये सीताफल बहुत आसानी से पक जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इनका स्वाद वैसे ही होता है जैसे ये मार्केट के होते हैं और मुझे तो काफी अच्छा ये हैक लगा है। तो अपने टिश्यू पेपर को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो, पर न्यूज़पेपर में ना ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पर टिश्यू पेपर का ही यूज करें। चलिए आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा, ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।